देश कभी भी उस काले पृष्ठ को भूल नहीं सकती है। और उसके बाद जो चुनाव हुआ, कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला था। भावनाओं से भरा हुआ वो माहौल, एक इमोशनली चार्ज एटमॉस्फियर, और उस आंधी में हम भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे, लेकिन हम हताश नहीं हुए। हम निराश नहीं हुए। हमने किसी और में दोष ढूंढने की कोशिश नहीं की। आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में हम नहीं पड़े। हम चले गए फिर एक बार जनता जनार्दन के बीच। हमने जमीन पे काम किया, हमने अपने संगठन को मजबूत किया, और तब जाकर आज हम यहां पहुंचे हैं। दो लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफर 2019 में 303 सीटों तक पहुंच गया। क्या भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है, जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। क्या भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है, जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, दीमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूरी की थी, लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो भ्रष्टाचार भागता है।
साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे, जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे, जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई, और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। और हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं, तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े। देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमें समर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है।